السلام هي حجام طلع الفجر الله यो तो अल्लाह में नेक बंदे। आज मैंने सोचा क्यों ना पिज्जा बनाया जाए, सो इसके लिए मैं अब पिज्जा सॉस बना रही हूँ। और आज मैंने चूल्हे जो है वो क्लीन नहीं किया अभी तक, करूँगी इंशाल्लाह जब काम हो जाएगा ना फिर एंड में करूँगी, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता, शुरू में कर लेते हैं फिर वही गंदगी हो जाती है। मैंने सोचा थोड़ा सा काम हो जाए फिर चूल्हे क्लीन करूँगी। अब ये पिज़्ज़ा सॉस रेडी होगी, ओप्स, और पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी पिज़्ज़ा डो भी रेडी हो गया, डन बिल्कुल। ये इसकी सॉस रेडी हो गई, चिकन जो है वो अभी पक रही है। मैंने इस पर फॉइल पेपर लगा दिया क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा कोई लिड नहीं है, सो इस वजह से मैंने फॉइल पेपर लगा दिया। अब मैं इसे रख दूंगी अंदर। इसीलिए रह जाएगा और जब बनाना होगा तो निकाल लूंगी। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ थोड़ी सी चने की दाल। मैंने इसे जो है वो रख दिया पकने के लिए, ये पकेगी। और थोड़े से अब जो है वो चावल, क्या कहते हैं, थोड़े से चावल बनाऊंगी ताकि ये चने की दाल के साथ खाने के लिए काम आए। वी हैव पिज़्ज़ा, चने की दाल। अब समझ नहीं आ रहा है पिज़्ज़ा के साथ कौन खाता है ये चने की दाल, बट हम खाएंगे इंशाल्लाह। अब टाइम हुआ जाता है सफाई करने का, ये जो गंदगी इतनी फैलाई है ना सारी, क्लीन हो जाएगी अभी। अब मैं पिज़्ज़ा जो है वो बेक करने के लिए लगूँगी। देखो आटा कितना ज़्यादा फूल गया है, चला जाऊँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी पैन में, फ्राई पैन में, क्योंकि मुझे जो है वो ओवन यूज़ करना नहीं आता है। ओवन कहते हैं, माइक्रोवेव कहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता। खैर सो मैं इस पर बनाऊँगी और इसमें अच्छा बन जाता है। मैं डायरेक्ट इसे चूल्हे पर रख देती हूँ, हाफ एन आवर भी नहीं लगता, आई थिंक 20 मिनट्स में तो रेडी भी हो जाता है और बहुत यम यम बनता है। ये मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, जो कि रेडी भी मैंने घर पे ही की है। जस्ट लुक एट दिस, मैंने पहले सॉस लगाई, फिर मैंने चीज़, मोज़रेला एंड चेडर चीज़ दोनों थोड़ी थोड़ी सी डाली, फिर चिकन डाला। अब मेरे पास यहाँ पे है कैप्सिकम्स जो कि मैं लगाऊंगी एंड अनियंस। बस मुझे यही दो चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे ये ऑलिव्स वगैरह अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चिलीज कट की हैं जो कि मैं यूज़ कर लूँगी। बस इनफ, ये हमारा पिज्ज़ा हो जाएगा रेडी शेडी। इसके ऊपर अब मैं दोबारा चीज़ डालूंगी। एज यू नो गाइस, आई एम अ चीज़ लवर, मुझे हर चीज़ में चीज़ बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से ये मोज़रेला चीज़। और अब जो है रेडी होने के लिए जा रहे हैं अपने चूल्हे पे। सो ये मीडियम लो पे पकेगा और रेडी हो जाएगा 20 मिनट्स में। इसे भी मैंने फॉइल लगा के कवर कर दिया है क्योंकि मेरे पास, मेरे घर में जो है बर्तनों की बहुत कमी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह तो ये इतना बड़ा लिड नहीं है मेरे पास, इस वजह से मैंने इसे फॉइल से कवर कर दिया है। अब इस हफ्ते को बच्ची के साथ
खुश आमदीद कहते हैं आपको तभी भी बाय हमारी फ्रेग्रेंसेस खाने हिल में, यानी कि हमारे इफ्तार के क्विज के मामले में आज के हमने बताया जरा अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमारे शाने हिल का हिस्सा बने। और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो आज हमारी 27वीं शब है, मुमकिन है शब कदर हो सकती है आज, तो दुआओं में आप लोग भी बिलखसूस मुझे याद रखें, मैं भी अपनी दुआओं में आप सबको याद रखती हूँ। और इंशाल्लाह हो सकती है इंशाल्लाह आज आप सबकी होगी, तो अपनी दुआओं में मुझे बिलखसूस याद रखिएगा और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी फैमिली को भी याद रखें। रमज़ान में बस चंद ही दिन रह गए, 2 से 3 डेज रह गए रमज़ान में, बस दुआ है अल्लाह पाक से कि हमारे जितने भी गुनाह हैं उन सबको माफ़ करें। ये भी मजहब भी कह रही है कि हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह हाफिज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके ओके, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा दुआ करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी फैमिली को भी याद रखें। रमजान में बस चंद ही दिन रह गए, 2 से 3 डेज रह गए रमजान में, बस दुआ है अल्लाह पाक से कि हमारे जितने भी गुनाह हैं उन सबको माफ करें। और ये भी मजहब भी कह रही है कि हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह हाफिज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके ओके।